السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أمن بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद. ताबीर अल्लाह है सल्ले अला मुहम्मद. दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु सल्ली व सल्लम अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी व करम खालिही व तहबीही व बारिक व सलीम. सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह. सलातो व सलाम अलैका या हबीबुल्लाह या करीमुल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या शफीअना इंदल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए. आमीन. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म नाफे अमल सालेह रिज़्क हसन और ईमान कामिल की दौलत से मालामाल. ये हमारी महफिल नहायत पाकीज़ा और इल्मी महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ये तौफीक अता फरमाई कि आज हम और आप यहाँ पर जमा हैं. बग़ैर उसकी तौफीक और उसके फजल और करम खास के ये हर किस्म मुमकिन न था. मुझसे कबल आपने कई ज़वात मुक़द्दसा और अजीम शख्सियात के किताबात अल्हम्दुलिल्लाह और उनके कलाम को सुना और निहायत उम्दा और नफीस बहसें उन्होंने आपके सामने रखी अल्हम्दुलिल्लाह. वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा. अल्हम्दुलिल्लाह सब आपके सामने हैं. मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूंगा जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई. उसके बाद मैं अली जनाब अलहाज हाफिज सिराजुद्दीन साहिब सल्लम अल मन्नान व हाफिज़ुर रहमान तबरल्लाहु अकरमु मा सिहति व आफियति व सलामा और उनके रफ़क़ाए कार का मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये महफिल सजाई और बिलखसूस मैं उन हजरात का मशहूर ममनून हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने नहायत पाकीज़ा कलाम से हमें महसूस फरमाया और हम मुस्तफ़ीद हुए उनके कलाम से. और मैं आप सबका भी मशहूर ममनून हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा ये कह पाना मुश्किल है लेकिन चूँकि महफिल ऐसी है कि इसको जल्दी समेटना है और मौजू ऐसा है कि बहुत ही तवील भी है और नहायत यानी ये अक्ल वालों का टॉपिक है. ये अक्ल वालों का टॉपिक है और हम उनकी अक्लों से ही लेकर के कुछ आपको दे सकते हैं क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं इतना अक्ल वाला हूं कि आपके सामने कुछ पेश कर सकूं. तो इसमें सिर्फ इल्मी कारस्तानियाँ ही कार फरमा नहीं है इस टॉपिक में. रूहानियत का सबसे बड़ा दर्जा रूहानियत का इसमें इल्म और इश्क दोनों आंखें चाहिए. इसमें इल्म और इश्क की दोनों आंखें चाहिए तो वही सैर कर सकते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं वही झांक सकते हैं वही देख सकते हैं वही पता कर सकते हैं वही बता सकते हैं और उन्हीं की बारगाहों से लेकर के हम आपको सुना सकते हैं. तो मैंने कुछ कलाम यहाँ पर जमा किया है और मैं लिख करके लेकर के आया हूँ क्योंकि मैंने अभी पिछले तकरीबन 3 साल से अपनी आदत बनाई है
कि जब कोई खास टॉपिक दिया जाता है तो मैं उसे लिखकर जरूर लेकर के आता हूँ। जैसे उन्होंने पिछले दो साल से उर्से रफी में इसी तरीके से अपने कलाम को पेश किया है और मैं यहाँ भी उसी तरीके से पेश करना चाहूँगा। हालांकि मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पेश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं इसको इसी तरीके से पेश करूँगा, क्योंकि जामिया अज़हर मिस्र जाने के बाद से मैंने जो वहाँ के शैखुल अज़हर हैं, नहायत इल्म है उनके पास, समंदर है, हकीकत में वो समंदर है। अभी बहुत कुछ कहा गया है यहाँ पर, तो मैं उसको उसके लिए अपने को अहल नहीं समझता हूँ, वो तो बहुत इल्म वालों की बातें हैं जिनके लिए वालता आदाब, लेकिन हाँ मैं दुआ समझ करके उसे कबूल करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे हक में इन हज़रात के कलिमात को दुआ बनाए और उसे कबूल फरमाए और मुझे उसका अहल बनाए। तो मैंने उन्हें देखा कि वो हर साल जो है वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक तकरीर करते हैं मुख्तसर सी, उसकी होती है 20 से 25 मिनट की, लेकिन पूरी तकरीर वो लिख करके लेकर के आते हैं और वही पढ़ करके सुना करके चले जाते हैं। ये हमने वहाँ पर देखा भी, और वहाँ तमाम बाहर के ममालिक से बड़े बड़े दानिश्वर बड़े बड़े इल्म वाले मौजूद रहते हैं, लेकिन मैंने देखा बड़ी वो खूबी से पेश करके अल्हम्दुलिल्लाह, तभी से मैंने ये जहन बनाया था। उसके बाद उर्से रज़वी के प्रोग्राम में मैंने यही अपना तरीक़ाकार रखा कि मैं उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उसको पेश करने लगा और आज भी मैं उसी तरीके से पेश करूँगा। लेकिन ये जो एक महफिल सजाई गई है, ये जो एक उनवान रखा गया है, उसके हवाले से हम इब्तिदा ये कहते चले जाएँ कि आओ फिर एक बार अज़्मे ज़िंदगी बन जाएँ हम, आओ फिर एक बार अज़्मे ज़िंदगी बन जाएँ हम, परचमे इल्मो हुनर हर मोड़ पे लहराएँ हम, परचमे इल्मो हुनर हर मोड़ पे लहराएँ हम, निखते इखलास बनकर फैल जाएँ दहर में, निखते इखलास इखलास की खुशबू, निखते इखलास बनकर फैल जाएँ दहर में, फिर एक तलबो नजर की बज़्म को महकाएँ, फिर एक तलबो नजर की बज़्म को महकाएँ, थक के सो जाएँ जहाँ भी कारवाने ज़िंदगी, थक के सो जाएँ जहाँ भी कारवाने ज़िंदगी, बेखतर दुश्वारियों में पास का बन जाएँ, फिर बने इंसानियत के कारवां के राह पर, फिर बने इंसानियत के कारवां के राह पर, फिर सलीका जिंदगी का दहर को सिखलाएं, फिर बने इंसानियत के कारवां के राह पर, फिर सलीका जिंदगी का दहर को सिखलाएं हम, और ये रूह की पाकीजगी के बगैर मुमकिन नहीं है। रूह की पाकीजगी ही है जिसने इंसान को मस्जूद मलाइका बनाया, जिसने खिलाफत का ताज उसके सर पे सजाया और वो खलीफतुल्लाह कहलाया, वो खलीफतुल्लाह कहलाया, और यही रूह की लताफत उसकी पाकीज़गी उसकी उम्दगी थी जिसने खलीफतुर रसूल के अल्काब से नवाजा। सिद्दीक की रूह निहायत लतीफ थी, सिद्दीक अकबर थे, खलीफे अव्वल हुए उमर फारूक उस्मान गनी हजरत अली, रूहों से फैसला हो जाता है, रूहों की पाकीज़गी के अतबार से फैसला हो जाता है। वहाँ जिस्मों की तवानाई नहीं देखी जाती, जिस्मों की ताकत नहीं देखी जाती, जैसे कि अभी अभी डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ने एक हदीस से बात करी, वो बेशक